हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर फाइव इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर एलेवन ठीक है कोर पेपर एलेवन में आप लोग को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है आज उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है

कि ये बिना भाव यूनिवर्सिटी के लिए है और एस के एम यू यूनिवर्सिटी के लिए क्योंकि बी बी एम के यू के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें जो है यहाँ पे डेविड रिकार्डो का विकास मॉडल का सिद्धांत तो नहीं पढ़ना है ठीक है बी बी एम के यू के सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पढ़ना इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है उनमें से आपका टॉपिक नहीं है डेविड रिकार्डो का सिद्धांत तो नहीं पढ़ना है ठीक है ये जो है बिना भाव यूनिवर्सिटी के लिए है और एस के एम यू ठीक है इसलिए आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक ठीक है तो चलिए मानसून को समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में तो ये रहा डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास का सिद्धांत ठीक है कोर पेपर एलेवन अगर आप कोर पेपर ट्वेल्व का सिलेबस को देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में तो उनमें से भी आप लोग को पढ़ना है डेविड रिकार्डो का सिद्धांत यूनिट टू में और कोर पेपर एलेवन में भी पढ़ना है डेविड रिकार्डो का सिद्धांत ठीक है तो दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आपके एग्जाम के प्रश्न जो है अक्सर कोर पेपर ट्वेल्व में ही पूछा जाता है लेकिन कोर पेपर एलेवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में भी यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि यहाँ पे आप लोगों को आर्थिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है जिसमें से एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो तो चलिए मानसिक समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं तो सबसे पहले हम डेविड रिकार्डो के की पॉइंट को जानेंगे इसके बाद इसके विकास मॉडल को दी गई मान्यताओं को देखेंगे इसके बाद इसकी क्या त्रुटियां रहीं क्या आलोचना की गई और इसकी क्या विशेषताएं रही हम एक एक पॉइंट को डायग्राम के साथ देखेंगे ठीक है तो रिकार्डो ने अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम क्या था इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है बुक से ठीक है द प्रिंसिपल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में एडम स्मिथ ही भांति जो है एक अवस्थित ढंग से अपने विचार व्यक्त किए थे ठीक है और यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित की गई तो यह पुस्तक जो है उन्नीस सौ ईस्वी में ठीक है प्रकाशित की गई और जो एडम स्मिथ का जो पुस्तक था सत्रह सो ईस्वी में प्रकाशित किया गया था इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और डेविड इगार्डो का पुस्तक जो है उन्नीस सौ ईस्वी में प्रकाशित की गई तथा तो इसका तीसरा संस्करण कब आया तो उन्नीस ईस्वी में छपा तथा उसी समय जो है रिकार्डो के सिद्धांत को प्रस्तुत किया ठीक है अब रिकार्डो के अनुसार पूंजी संचय का लाभ का परिणाम है जो स्वयं जो है मजदूरी पर निर्भर करता है और रिकार्डो का विकास मॉडल अर्थव्यवस्था में तीन वर्गों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है तो कौन कौन सा पहला है भूमिपति ठीक है दूसरा है पूंजीपति और तीसरा है यहाँ पे श्रमिक ठीक है और तीन श्रम या, या, या जो विकास मॉडल जो है पारस्परिक संबंधों पर आधारित है वह है तीन ठीक है तीन वर्गो में भूमिपति पूंजीपति और श्रमिक इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे अब हम यहाँ देखने वाले डेव रिकार्डो के मॉडल की क्या क्या मान्यताएं थी ठीक है तो हमने यहाँ पे टोटल आठ से दस पॉइंट तो को देखेंगे जिनमें से तो चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रिकार्डो का मॉडल निम्न मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है पहला पॉइंट है अब एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे तो संपूर्ण भूमि का उपयोग जो है अनाज के उत्पादन में किया जाता है कृषि में कार्य शक्तियां उपज के वितरण का निर्धारण करती है तो ये रहा आप लोग का डेविड रिकार्डो का मान्यताओं का पहला पॉइंट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दूसरा पॉइंट है यहाँ पे यह मान लिया गया है कि भूमि को उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है अर्थात जो है पूंजी और श्रम के अतिरिक्त इकाइयों में वृद्धि करने से उपज अनुपातिक दृष्टि से घट जाती है ठीक है तीसरा पॉइंट है कि भूमि सीमित है और इसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है ये देवृकारताओं का मान्यताएं हैं तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट भूमि की उपज आने के अर्थात अनाज की मांग पूर्ण रूपेन आलोपशील है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं पांचवा पॉइंट पूंजी तथा श्रम और परिवर्तनशील इनपुट है ठीक है छठा पॉइंट यह है कि तकनीकी ज्ञान की स्थिति समान मान ली जाती है सातवां सातवां पॉइंट पॉइंट है है कि है, श्रम की पूर्ति कीमत स्थिर है और आठवां पॉइंट है सभी श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी दी जाती है तो यह सभी जो है डेविड रिकार्डो की मान्यताएं हैं और नौवां पॉइंट है किसी राष्ट्र में पूंजी संचय के अनुरूप ही श्रम की मांग निर्धारित होती है दसवा पॉइंट होगा या आखिरी पॉइंट होगा इसकी मान्यताएं तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति संभव है तथा प्रत्येक देश में मिल जाती है तो हमने टोटल आप लोग को दस डेविड इकार्डो की दस मान्यता बताएं और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम की से इम्पॉर्टेंट है अब इसकी डेविड रिकार्डो विकास मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी यहाँ भी हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे ठीक है जिनमें से पहला पॉइंट डेविड रिकार्डो के विकास मॉडल की निम्न विशेषताएं हैं जिनमें से पहला पॉइंट श्रमिकों की मांग पूंजी तथा मजदूरी कोष द्वारा निर्धारित होती है ठीक है तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं तो श्रम का भी अन्य वस्तुओं के समान प्राकृतिक तथा बाजार मूल्य होता है श्रमिकों का प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिकों की एक के बाद दूसरी पीढ़ी को बिना कमी या वृद्धि के जीवन निर्वाह स्तरों को बनाए रखने के लिए काफी होता है इसके विपरीत श्रम का बाजार मूल्य श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित है रिकार्डो के अनुसार यह मानना था कि श्रम की मांग जो है पूंजी तथा मजदूरी कोष से निर्धारित होती है ठीक है तो ये पॉइंट आप लोग का क्लियर रहा नेक्स्ट दूसरी दूसरी विशेषताएं विशेषताएं विकास मॉडल की पूंजी संचय की प्रक्रिया ठीक है तो रिकार्डो के अनुसार पूंजी संचय लाभ से होता है क्योंकि लाभ में से ही धन को बचाया जाता है जो पूंजी निर्माण के काम आता है रिकार्डो का यह मत था कि मजदूरी कम करके तथा लाभ की मात्रा को बढ़ाकर ही पूंजी निर्माण किया जा सकता है यह माना था डेविड रिकार्डो का ठीक है जिस राष्ट्र के पास जितनी अधिक पूंजी होगी उतना ही तीव्र गति से उसके आर्थिक विकास होगा डेविड रिकार्डो के के विकास मॉडल अनुसार इसका सिद्धांत ठीक है तो पूंजी संचय के लिए समाज की शुद्ध आय अधिक प्रभावशाली के है तो रिकार्डो का कहना था कि पूंजीपतियों ही केवल पूंजी संचय की क्षमता रखता है ठीक है तीसरा पॉइंट डेविड रिकार्डो की तीसरी विशेषता यह है विकास मॉडल की पूंजी संचय का प्रोत्साहन यानी कि डेविड के अनुसार डेविड रिकार्डो के अनुसार जो है पूंजी संचय लाभ से होता है ठीक है क्योंकि लाभ में से ही धन को बचाया जा सकता है जो पूंजी निर्माण में काम आता है ठीक है तो लाभ अधिक और मजदूरी कम ही एकमात्र ऐसा होता है जिससे जो है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है तो रिकार्डो का विचार था कि पूंजी निर्माण के कार्य को पूंजीपति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता ये मानना था डेविड रिकार्डो का ठीक है चौथा पॉइंट है न्यूनतम कर व राजकोषीय कार्य तो ये डेविड रिकार्डो के विकास मॉडल का चौथा पॉइंट है न्यूनतम कर ठीक है व राजकोषीय कार्य रिकार्डो का कथन था कि सरकार को न्यूनतम कर लगाया जाना चाहिए लगाना चाहिए तथा तो कम से कम जो है राजकोषीय कार्य करना चाहिए ठीक है उनके अनुसार कर आने की जो टैक्स है का निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ठीक है और वे कर लगाने के विरुद्ध थे ठीक है डेविड रिकार्डो के विकास मॉडल के अनुसार ये कहा गया है कि वे जो है टैक्स के विरुद्ध थे क्योंकि करों के द्वारा जो आय यानी कि इनकम लाभ व पूंजी कम होता है ये माना था डेविड रिकार्डो का ठीक है पांचवा पॉइंट आर्थिक विकास मॉडल डेविड रिकार्डो का पांचवा पॉइंट है लाभों को बढ़ाने के लिए उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए ये डेविड रिकार्डो का विकास मॉडल का सिद्धांत का पांचवा पॉइंट है ठीक है तो रिकार्डो का क्या मत था कि लाभों पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए यानी कि लाभ जो भी प्रॉफिट हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए तो क्योंकि इन पर जो होता है कर लगाने से क्या होता है पूंजी के मात्रा में कमी आएगी ठीक है यह माना था डेबिट रिकार्ड होगा जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा यानी कि कोई भी जैसे प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे क्या होता है कि पूंजी के मात्रा में कमी आएगी यह माना था डेबिट रिकार्ड होगा जिससे क्या होता है आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो रिकार्डो ने कच्चे माल तथा उपभोग वस्तुओं पर भी कर लगाने का विरोध किया था तो ये रहा आप लोगों का पांचवा पॉइंट आर्थिक विकास मॉडल का छठा पॉइंट ये था कि आर्थिक विकास मॉडल का कि कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि जो है जो है अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो रिकार्डो के विकास में कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये मानना था डेविड रिकार्डो का और एडम स्मिथ ने भी जो है किसान को अधिक महत्व दिया कृषक को ठीक है और इसी प्रकार डेविड रिकार्डो ने भी जो है विकास के मॉडल में अर्थव्यवस्था में जो है कृषि को ही महत्व दिया है तो उन्होंने अपने मॉडल में इस बात का भी उल्लेख किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों का प्रबंध करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो इस प्रकार यहाँ पे छ मॉडल प्रस्तुत किया गया और सातवां मॉडल था राज्य का कार्य ठीक है तो एन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों की भांति ही रिकार्डो ने भी सरकार को आर्थिक क्रियाओं में कम से कम हस्तक्षेप करने का ही समर्थन किया था उनका क्या कहना था कि सरकार सरकार जो तो संरक्षण की नीतियों को अपना करके खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ा देती ऐसा माना था डेविड रिकार्डो का और यहाँ पे एडम स्मिथ के द्वारा भी विरोध किया गया था तो हमने टोटल आपको सात पॉइंट बताए जो डेविड रिकार्डो की विशेषताएं हैं विकास मॉडल की सात पॉइंट अब यहाँ पे हम डायग्राम को समझेंगे थोड़ा हम डायग्राम को यहाँ पे छोटा करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेविड रिकार्डो के मॉडल को हम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं तो ये रहा आप लोग का डायग्राम स्क्रीन ले सकते हैं और ये आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से आप लोग बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं ये डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी हो जाता है और इस डायग्राम को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ठीक है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और ये नहीं है ठीक है तो चलिए इस डायग्राम को हम थोड़ा समझते हैं ठीक है इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं वो एक्स जो है वो श्रम को दर्शाता है और वो वाई जो है अनाज को दर्शाता है ठीक है तो चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट को तो अनाज की मात्रा को वाई एक्सिस तथा जो होता है कृषि में लगी जो श्रम को जो है एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं पहला पॉइंट डायग्राम का दूसरा पॉइंट है कि श्रम का ए रेखा जो है एवं एम, एम रेखा का अंतर यानी कि ए पी जी एफ ये डिफरेंस को बता रहा है ए बी जी एफ लगान को दर्शाते हैं ठीक है तीसरा पॉइंट है निर्वाह मजदूरी दर ओएच पर श्रम की पूर्ति एचआर वक्र पूर्णता लोचदार है वह जो होता है कुल मजदूरी जो होता है ओएचआरएल में प्रकट करता है ठीक है चौथा पॉइंट है कि सकल लाभ जो है एच एफ जी आर आयात तो द्वारा व्यक्त है जो सकल उत्पादन ओ ए बी एल आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिए ले लिए होंगे ठीक है उम्मीद करते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं ओ ए बी एल में लगान एफ ए बी एस तथा मजदूरी बिल ओ एच आर एल निकाले में शेष रहता है ठीक है तो आता है कुल उत्पादन में वृद्धि होने से मजदूरी कोष बढ़ जाता है साथ ही श्रम की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि हो जाती है जनसंख्या की विधि से श्रेय की श्रम की जो मात्रा बड़ी मात्रा तथा लगान जो लाभ को समाप्त कर देते हैं जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि ओ एम श्रम लगने से कुल उत्पादन ओ सीई एम होता है और जिससे क्या होता है कि वो एच के एम जो की क्षेत्र को बताता है मजदूरी बिल निकाल देने से लगान एच सी ई के प्राप्त होता है ये डायग्राम का पूरा विवरण है ठीक है अब आगे हम देखेंगे इस प्रकार लाभ बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो अब यह आप लोग का डेविड रिकार्डो का विकास मॉडल का पूरा डायग्राम सहित हमने टोटल आप लोगों को सात विशेषताएं बताई विशेषता दस मान्यता बताए अब देखेंगे सिद्धांत में क्या क्या त्रुटियां थी यानी कि क्या क्या कमियां थी आलोचनाएं की गई ठीक है इस पॉइंट को यहाँ पे हम देखते हैं तो ये रहा आप लोग सिद्धांत की त्रुटियां ठीक थी? है अब क्या क्या त्रुटियां थी यानी क्या क्या कमियां थी इस चीज को देखते हैं तो रिकार्डो के सिद्धांत के अनेक गुण होने पर भी उनके अनेक त्रुटियां हैं ठीक है जिसमिन बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं जिनमें से पहला पॉइंट था निराशावादी दृष्टिकोण रिकार्डो घोर निराशावादी थे और वे बढ़ती जनसंख्या व कृषि में घटे प्रतिफल की आशंका से भयभीत थे ठीक है दूसरा कि राज्य के महत्व की उपेक्षा अलकेनो राज्य को मात उतना नहीं दिया इस निनांत में तो रिकार्डो अबंद व्यवहार के अव्याहारिक नीति के समर्थक थे ठीक है वैارتی विकास के संबंध संदर्भ में राज्य की भूमिका के महत्व को नहीं समझ सके और तीसरा कमिया यह थी कि कम मजदूरी तो रिकार्डो के मजदूरों का कम मजदूरी देने के पक्ष में थे जो कि परंतु उन्हें प्रभावशाली मांग के कम होने का भय नहीं था और चौथा पॉइंट है ब्याज की अवहेलना की गई है विकास मॉडल के आर्थिक विकास मॉडल जो डेबिट का था उनमें से विकास की यानी कि उसमें जो ब्याज इंटरेस्ट की अवहेलना की गई ठीक है तो विकास सिद्धांत में ब्याज का कोई प्रसंग नहीं आता जो या एक गंभीर दोष है तो टोटल तो 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 हमने यहाँ पे चार त्रुटियां हैं और ये सभी ट्रुटियाँ आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमने टोटल आप लोग को डेविड रिकार्डो विकास मॉडल की सात मान्यता बताएं इसके बारे में हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया इसके साथ ही आप लोग को यह भी बताएं कि डेविड रिकार्डो की मॉडल में क्या क्या मान्यताएं दी गई थी तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है और आप लोग इस पी को टेलीग्राम लिंक में भेज दिया जाएगा आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं उसी से आप लोग पी डी से डाउनलोड कर सकते हैं तो थैंक यू गैज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को करवाया जा सके तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम डीएससी पेपर वन और डीएससी पेपर टू भी करवा दिया जाएगा अगर किसी का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो चाहे आप थ्योरी भी ले रखें तो सभी के लिए एग्जाम से पहले आप लोगों लुक का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा तो थैंक यू गायज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद